domain of a function, it is the set of real values of x, real values of x for which y is defined in y is equal to f of x. Samajh mein aaya? It is a set of real values of x for which y is defined. Theek hai na? Clear hua? Set of real values of x in y is equal to f of x relation for which kya kahenge? Y is defined. Matlab hum x ka agar ek डेफिनेट रियल वैल्यू बैठाएंगे कोई भी गिवन मैथमेटिकल रिलेशन में, तो उसके वजह से हमको वाई का भी डेफिनेट रियल वैल्यू मिलना चाहिए, ताकि एक्स का जो वैल्यू बैठा रहे हैं और उसके वजह से मिलने वाला वाई, ये दोनों अगर रियल होगा तो उन दोनों का ऑर्डर्ड पेयर को, है ना, चाहे वो एज अ पॉइंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग एज अ पॉइंट उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में उसका पोजीशन को प्लॉट करके दिखा सके. हाँ या ना, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी फंक्शन का डोमेन पूछा जाए तो मतलब सीधा सीधा तुमको क्या करना है, तुमको एक्स का वो मेंबर को ढूंढ के हटा देना है पूरा रियल नंबर सेट ऑफ एक्स में, जिसके वजह से वाई अनडिफाइंड हो जाए या इन्फिनिटी बन जाए. समझ में आया बात? क्लियर है? तो इसको हम लोग कई अलग अलग टाइप ऑफ फंक्शन में तोड़ के डिस्कस करेंगे, क्योंकि अलग अलग टाइप ऑफ फंक्शन में इसको डिस्कस करने का, इसको इवेल्युएट करने का, डोमेन को निकालने का अलग अलग मैथमेटिकल प्रोसेस या रूल होगा. तो पहला हम लोग चलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन पे. एल्जेब्रिक फंक्शन तो एक एल्जेब्रिक फंक्शन में, जैसे कि जनरल ऑर्डर मान लो, अगर हमारा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और वो एफ ऑफ एक्स इज सिंपली, एकदम मान लो अगर हमको एक सिंपली दिया है एफ ऑफ एक्स एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो एक्स प्लस वन है, तो इसमें क्या मेरे को कोई भी एक्स एक्सक्लूड करने का जरूरत है क्या? Do I need to exclude any real value of x for which y gets undefined? ये तो denominator part तो है ही नहीं, इसमें नहीं है, मतलब क्या है? One. अब तुम numerator में जो भी real number बैठा हो, positive या negative, उसके वजह से कोई भी real number के साथ plus one, चाहे वो positive real number with plus one और negative real number with plus one, तो ultimately वो एक real number ही रहेगा ना. तो यानी कि x का हम, मैं कुछ भी बैठा हूँ, y हमेशा डिफाइंड होगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब है, सिंपल आर्गुमेंट ये हुआ कि दिस शोज दैट x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर. तो जब ऑल रियल नंबर होता है तो उसको सिर्फ कैपिटल R से लिख देंगे, तो सिंबॉलिकली वो सभी रियल नंबर को समझ में आएगा. यानी कि और इसको सेट में लिखेंगे तो दिस बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन इंटरवल. ठीक है, इंटरवल नोटेशन में लिखने का मतलब क्या है कि जब हम ओपन इंटरवल, इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल होगा, कारण एग्जैक्ट इन्फिनिटी को तो तुम मार्क नहीं कर सकते ना, प्लॉट करके दिखा सकते हो क्या? नहीं. तो इसीलिए दोनों एंड नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी दोनों ओपन इंटरवल होगा, यानी मैं पूरा रियल नंबर में कुछ भी माइनस नहीं कर सकता हूं या नहीं कर रहा हूं. आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? क्लियर है? जबकि अगर मैं एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसी को लिखूं वन बाई एक्स प्लस वन, वन बाई एक्स प्लस वन अब अगर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, अब x का टर्म डिनोमिनेटर में है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन में न्यूमेरेटर बाई डिनोमिनेटर can be defined
इफ योर डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो क्वांटिटी, डिनोमिनेटर अगर तुम्हारा नॉन जीरो क्वांटिटी है तभी वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिफाइंड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो वो एक्सप्रेशन इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसीलिए हम क्या नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर को जीरो नहीं बनने दे सकते हैं। आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? सो दिस इंप्लाइज दैट आई कांट अलाउ एक्स प्लस वन टू बी जीरो, इसको मैं जीरो नहीं बनने देना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई कांट अलाउ एक्स टू बी इक्वल टू माइनस वन। गेटिंग मी? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यानी कि इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल फंक्शन में क्या नहीं हो सकता है, बोलो? डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर अगर जीरो नहीं होना चाहिए मतलब मैं इस फंक्शन में x का वैल्यू माइनस वन नहीं ले सकता हूँ। तो डोमेन में हर रियल वैल्यू ऑफ x परमिसिबल है एक्सेप्ट माइनस वन। तो यानी कि इसका डोमेन हो गया, देयरफॉर x बिलोंग्स टू, लिख सकते हैं रियल नंबर में सब कुछ रहेगा, सिर्फ एक अकेला माइनस वन नहीं होगा। तो देखो, माइनस जब सेकेंड ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर लिखते हैं तो मतलब सिर्फ उस एब्सोल्यूट नंबर को मीन करते हैं। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अगर कभी सेकेंड ब्रैकेट के अंदर मान लो मैं दो नंबर को लिखा माइनस वन कॉमा माइनस टू, तो मतलब मैं एब्सोल्यूट माइनस वन और माइनस टू का बात कर रहा हूँ। जबकि फर्स्ट ब्रैकेट में दो नंबर लिखने का मतलब है उन दोनों के बीच का हर नंबर के बारे में बात होता है, लेकिन सेकेंड ब्रैकेट में इन बिटवीन दो नंबर जो लिखा होता है उसके बीच वाला कोई नंबर का बात नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर एब्सोल्यूट नंबर के बारे में ही हम बात करते हैं व्हेनेवर वी राइट डाउन द नंबर्स इन सेकेंड ब्रैकेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? बढ़िया। तो रियल नंबर से माइनस वन सब्ट्रैक्ट होगा यानी नहीं लेंगे, और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है एक्स बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू करके माइनस वन के पहले तक, क्योंकि इसे तो माइनस वन नहीं लेना है, यूनियन माइनस वन के बाद से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकते हैं। आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? तो ये होता है इंटरवल नोटेशन, कैसे लिखना है। एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन माइनस वन टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है ना? সেই জন্য ওপেন ইন্টারভাল, আর যখনই ওটা ক্লোজড হবে থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে লিখবো তখন ওটা ইনক্লুডেড। ঠিক আছে, আর মান লো জেসে এক ফাংশন থার্ড লিখা মে y is equal to f of x, इसको लिख दिया x square minus x minus 6, ये एक क्वाड्रेटिक है ना, सेकेंड डिग्री x, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब मेरे को बताओ कि इसका डोमेन क्या होगा, टेल मी अबाउट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अभी मैं जितना बात कहा उसके हिसाब से तुमको क्या लगता है, व्हाट शुड बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, जरा मेरे को करके बताओ। এটাকে স্যাটিসফাই করার জন্য আমরা এখন পর্যন্ত ডোমেনে কি ডিসকাস করলাম, যে উই নিড টু ইনক্লুড অল এক্স ফর উইচ ওয়াই ডিফাইন্ড, উই নিড টু এক্সক্লুড স্পেসিফিক এক্স ফর উইচ ওয়াই গেটস আনডিফাইন্ড। তাহলে এখানে এটা চেক করে আমাকে দেখতে হবে যে এই এক্সপ্রেশনে কি কি এমন এক্স আছে যেটা সাবস্টিটিউট করলে আমার ওয়াই আনডিফাইন্ড হয়ে যাবে। তাহলে বিং ইট ইজ আ কোয়াড্রেটিক, হ্যাঁ জিরো তো হতেই পারে, জিরো তো একটা ডেফিনেট রিয়েল নাম্বার। তো ফর হোয়াট ভ্যালু অফ এক্স উই ক্যান এক্সক্লুড দ্য ভ্যালু অফ এক্স ফর উইচ ওয়াই গেটস আনডিফাইন্ড। বতাও জরা ইসমে কি হাম ইয়াহা সে ও কোন ভ্যালু অফ এক্স কো হটা সকতে হ্যায় জিসকে ওয়াজহ সে, হ্যায় না, जिसके वजह से हमारा वाई अनडिफाइंड होगा। इसमें होगा क्या कुछ वाई अनडिफाइंड? अच्छा, क्वाड्रेटिक के बारे में क्या पढ़ा है जरा बताओ। तो हम लोग तो डिस्कस कर चुके हैं ना क्वाड्रेटिक के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं अभी तक,
या इसके पहले क्या क्या पढ़ चुके हो क्वाड्रेटिक। जितना बात क्वाड्रेटिक में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक में रूट्स निकालते हैं ना, तो रूट्स निकालने का मतलब क्या है, कौन सा वैल्यू को हम रूट्स कहते हैं? सेटिस्फाई कुर्वे माने करेक्ट। किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि इक्वेशन का एलएचएस और आरएचएस का वैल्यू इक्वल आना, जस्टिफाई होना चाहिए ना, वेरीफाई होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक का रूट्स का मतलब होता है एक्स का वैल्यू बैठाना, जिस वैल्यू बैठाने से हम एलएचएस और आरएचएस को इक्वल बता सकते हैं। यानी कि अगर जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो एक्स का जो वैल्यू बैठाने से पूरा क्वाड्रेटिक का वैल्यू जीरो होगा, उसको रूट्स कहेंगे। लेकिन ऐसा कितना वैल्यू हमको मैक्सिमम मिल सकता है इन अ क्वाड्रेटिक, जिसको सब्स्टिट्यूट करने से हमको एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो मिलेगा? टू, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब ही तो है इसका एक्स का हाईएस्ट पावर टू है, तो एक्स का दो ही ऐसा वैल्यू हो सकता है। अब सोचो रियल नंबर में वो दो वैल्यू को छोड़ के भी तो इन्फिनाइट रियल वैल्यूज है एक्स का। यानी कि अगर मैंने जो जनरल टर्म में हम लोग कहते हैं कि एक क्वाड्रेटिक का दो रूट्स अगर अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा के अलावा भी तो पूरा रियल नंबर नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में और कितना नंबर है, इन्फिनाइट नंबर है, हाँ या ना? अब सोचो अगर वो इन्फिनाइट नंबर्स में से तुम कुछ भी सब्स्टिट्यूट करते हो एनीथिंग अदर देन अल्फा एंड बीटा, तो तब वो क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन वैल्यू क्या आएगा, मतलब नॉन जीरो आएगा। अल्फा या बीटा बने से बैठाने से क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन वैल्यू जीरो होता है, और अगर मैं कोई थर्ड रियल वैल्यू बैठाऊं तो वो नॉन जीरो होगा। कोई नॉन जीरो का मतलब क्या, इधर कोई पॉजिटिव नंबर मिलेगा या एक्सप्रेशन का वैल्यू कोई नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो भाई कोई भी पॉजिटिव नंबर एज अ वाई डिफाइंड है, कोई भी नेगेटिव नंबर एज अ वाई डिफाइंड है। पूरा क्वाड्रेटिक का वैल्यू मतलब किसका वैल्यू, वाई का वैल्यू। तो y खुद पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जीरो हो कोई दिक्कत नहीं है, y इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, सिंपल लॉजिक, हाँ या ना? समझ रहे हो कि नहीं, या कोई और दुनिया में खोया हुआ है तुम, यही है ना? हाँ ठीक है। तो तब ये कह रहा है इसका मतलब है कि इसका तीन, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं फॉर x बिलोंग्स टू all real number, y can be either negative or positive or zero, यही ना होगा, और कुछ होगा क्या? y का value negative number या positive number या नेगेटिव वैल्यू, ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू और जीरो, यही तो हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या? तो इसका मतलब वी कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज एज डोमेन। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा है? बढ़िया। मैं एकदम कोशिश कर रहा हूं एकदम एलिमेंट्री से डिस्कस को एक एक केसेस के जरिए समझाएं। अब मान लो मेरे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, अब ये एफ ऑफ एक्स इसी क्वाड्रेटिक को मैं डिनोमिनेटर में डाल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। अब बताओ तो कि हम अब इस फंक्शन का वही क्वाड्रेटिक जो न्यूमेरेटर में था वो डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ द फंक्शन हो गया, तो क्या हम कह सकते हैं कि अब भी इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यू होगा? हवे ना? तो ताले की हवे डोमेन टावा के झट करे बोलो तो बार करे। यहां हम लोगों को कौन सा बात सोचना चाहिए, 1 to 4 अभी तक जो चार डिफरेंट केस कर रहे हैं उसमें अभी तक हम क्या क्या बात कह चुके हैं, वी आर डूइंग ऑल एलजेब्रिक फंक्शन है, बोलो हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव टा की जे डिनोमिनेटर टा के एखने जखन ए एक्सप्रेशन टा न्यूमेरेटर छिलो, ताले न्यूमेरेटर पूरो एक्सप्रेशन वैल्यू टा पॉजिटिव होक नेगेटिव होक बा जीरो होक कोनोटाते असुविधा नहीं, किंतु एबार क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन टा डिनोमिनेटर आछे ताले कि होवा जाबे ना, माइनस 2 माइनस 2 6 ना ना, आमार कथाटा ओटा बाद दाओ,
আমার কথা হচ্ছে এই গোটা এক্সপ্রেশনটা কি হতে পারে আর কি হলে অসুবিধা আছে। व्हाट यू हैव मेड द आर्गुमेंट, अभी तक हमने क्या आर्गुमेंट किया कि किसी भी एक्सप्रेशन को डिफाइन होने के लिए किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का फाइनाइट डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो दिक्कत नहीं है। ताले डिनोमिनेटर टा किरकम एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक, ताले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो कौन है? যখন এক্সাক্ট তার রুট ভ্যালুটা বসাই, শ্রীধর আচার্য এই ইকুয়েশন দিয়ে সলভ করলে যে দুটো ভ্যালু পাওয়া যায় সেই ভ্যালু দুটো রুট ভ্যালু, যখন ওই রুট ভ্যালুগুলো সাবস্টিটিউট করি তখনই এক্সপ্রেশনটা জিরো হয় কি, হ্যাঁ কি না? এটা হলো বা এই পুরো এক্সপ্রেশনটাকে মিডিল টার্ম ফ্যাক্টরাইজেশন পড়েছ তো স্কুলে, মিডিল টার্ম ফ্যাক্টরাইজেশন দিয়ে ফ্যাক্টরাইজ করলে দুটো লিনিয়ার ফ্যাক্টর কি কি আসবে বলো? अरे करो पेन एंड पेपर वर्क करो, कहां से खोया हुआ है क्लास में, इधर काम करो, मैथमेटिकली आर्गुमेंट करो, खाली ध्यान करने से थोड़ी होगा। इसको लीनियरली फैक्टराइज करो, मिडिल टर्म फैक्टराइज करो, करके देखो क्या हो रहा है। हाँ करो करो जल्दी करो, ये तो एक मिनट का काम है, इसमें पांच मिनट लेने से नहीं होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये की कांडो, Can I write down this is x minus 3 into x plus 2? ताई दो, तो इसका मतलब है since denominator can't be zero, यही तो concept है ना हमारा, तो this implies that हमारा ये जो दोनों factor है x minus 3 into x plus 2, इन दोनों का product non-zero होना चाहिए, can't be equal to zero। तो दोनों का प्रोडक्ट अगर नॉन जीरो है मतलब दोनों इंडिविजुअली कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दिस इंप्लाइज दैट एक्स माइनस थ्री कांट बी जीरो और एक्स प्लस टू कांट बी जीरो, यही तो मतलब है, हाँ या ना? तो पहला से मेरा आएगा कि एक्स कांट बी इक्वल टू प्लस थ्री और यहां से क्या आएगा, एक्स कांट बी इक्वल टू माइनस टू, यानी हम ये दो वैल्यू को नहीं ले सकते हैं। इंस्टेड ऑफ एक्स वी कांट सब्स्टिट्यूट माइनस टू एंड प्लस थ्री, इसके अलावा कुछ भी डाल सकते हैं, हमारा डिनोमिनेटर एक्सप्रेशन पॉजिटिव क्वांटिटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेगेटिव क्वांटिटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, येस और नो? तो इसका मतलब कि देयरफॉर डोमेन, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट दिस टू, तो लिखेंगे ऑल रियल नंबर माइनस सेकेंड ब्रैकेट में माइनस टू कॉमा थ्री। समझ में आया कि नहीं आया? पूरा रियल नंबर में माइनस टू और थ्री को खाली हटा देंगे,